सो हेलो गाइस, स्वागत है वापस से एक और नई वीडियो के साथ। वापस आए एक नई वीडियो के साथ। तो मुझसे ना काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि भाई हमने ना फ़ोन ख़रीद लिया है ना, हमें अपडेट करना है या नहीं करना है। एंड मैं ऑलरेडी एक अपडेट को यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है मुझे, अराउंड 1 महीना होने वाला अपडेट को यूज़ करते करते, जो कि आखिरी अपडेट आया था। एंड यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, काफ़ी सारे लोग कहते हैं इन्फिनिक्स और मोटरोला बेकार है, वो किस लिए बेकार है। तो यहाँ पे खुद अपनी आंखों से देख रहा हूँ, इनका जो लास्ट अपडेट आया था ना, वो अगस्त का पैच का अपडेट था। सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, अभी सितंबर का कोई अपडेट आपको देखने नहीं मिला है, अक्टूबर का भी कोई अपडेट देखने नहीं मिला। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा बहुत डिले करते हैं अपडेट को बहुत ज़्यादा तरीके तो से। इसलिए यह कि काफ़ी सारे लोगों को रिकग्निशन नहीं मिल पाती, काफ़ी सारी कंपनियों को जैसे इन्फिनिक्स होगी, क्योंकि भाई अपडेट टाइम पे कभी दे ही नहीं पाते हैं। आईक्यू वाले फ़ोन के अंदर देखो, वीवो के फ़ोन के अंदर देखो, रेडमी के फ़ोनों के अंदर देखो, इनके अंदर अपडेट सबसे ज़्यादा लेटेस्ट आने वाला है। एंड्रॉइड 14 तक भी आने वाला है, आईक्यू न्यू 7 और आईक्यू न्यू 7 प्रो के अंदर उन्होंने लिस्ट भी दिखा दी है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसलिए भाई कंपनी का बोला जाता है कि यहाँ पे थोड़ी बहुत कंपनी मैटर करती है आपको अपडेट के मामले में। एंड जो मैंने अपडेट करा था लास्ट वाला, और लास्ट वाले अपडेट की बात चलते हैं, क्योंकि हमने एक ही अपडेट आया अभी तक हमारे पास, एंड उसके अंदर एक ही काम का ऑप्शन था यहाँ पे, जो कि है ये वाला जो मैजिक रिंग बोलते हैं इसको। यहाँ पे आपको शुरुआत में ऑप्शन देखने मिलते हैं। तो काफ़ी सारे लोग से इसी अपडेट के बारे में बात कर रहे हैं कि हमने फ़ोन ले लिया है, अपडेट आया, अब क्या करें और क्या ना करें। तो अभी ना मैं आपको आखिरी में बताता हूँ कि उसका क्या करना है और क्या नहीं करना, कैसा बैटरी रहता था, सारी सारी चीज़ें। क्योंकि पिछली वीडियो में जब मैंने आपको वीडियो बनाई थी 2 महीने का रिव्यू, तो उसके अंदर मैं सारी सारी चीज़ें ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। एक या दो चीज़ें मिस थी यहाँ पे, जो कि था 90 FPS का स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ एंड 60 FPS का स्क्रीन रिकॉर्डिंग साथ। तो वहीं पर मैं दिखाने वाला हूँ वो 90 FPS का, एक बार छोटा सा मैच देखो, उसके बाद मैं मिलता हूँ सारे सारे अपने रिव्यू के साथ, जो भी मेरे साथ हुआ था इस अपडेट के बाद। एंड मैं आपको बताऊंगा कि भाई आपको अपडेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कोई दिक्कत विक्कत तो नहीं है, एंड सारी सारी चीज़ें पूरा एक्सपीरियंस बताने वाला अपना 1 महीने का, जितने ही मैंने यूज़ करा है यहाँ पे। तो यहाँ पर आपने 90 FPS का मैच देख लिया होगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ। बस आपको यही दिखाना था मुझे थोड़ा बहुत कि कैसे चलता है 90 FPS का ना, क्योंकि मोस्टली काफ़ी सारे लोगों को चिंता बस 90 FPS की ही रहती है भाई आजकल, कि अपडेट के बाद कहीं 90 FPS बिगड़ तो नहीं जाएगा, दिक्कत नहीं हो जाएगी, या फिर ये नहीं हो जाएगा, वो नहीं हो जाएगा। तो TDM में कॉन्स्टेंट 90 FPS है। क्लासिक के अंदर भी आपने यहाँ पे मैच देखा होगा भाई, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया FPS निकाल के दे रहा था शुरुआत में, 2-3 टीमें होने के बाद इसने अच्छे खासे FPS निकाल के दिए थे, 2-3 टीमें भी नहीं, काफ़ी सारी टीमें थी। उसके बाद मैंने 60 FPS में खेला था, 60 FPS तो भाई कोई वर्ड नहीं होते भाई, मेरे 60 FPS बता रहा भाई। मैंने यहाँ पे मैं कितने बंदे कूद जाए ना शुरुआत के अंदर, बहुत कम ही मेरा लाइक देखने मिल जाता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ। मैं देखो पर्सनली रिकमेंड कर रहा हूँ, आप कोई सा भी रिकॉर्डर कर रहे हो, यूज़ कितना भी अच्छा कर रहे हो, अगर आपको कभी फील होता है इस फोन के अंदर लैग हो रहा है, तो मेरी तरफ से पर्सनली रिकमेंडेड आप क्लिप रिकॉर्डर यूज़ करो। बार बार बोलता हूँ हर वीडियो में, क्लिप रिकॉर्डर यूज़ करो। अगर आप कोई दूसरा रिकॉर्डर यूज़ कर रहे हो, काफ़ी सारे समय से यूज़ कर रहे हो, जब भी कह रहे हो कि मुझे दूसरा रिकॉर्डर यूज़ करना, तो मैं पर्सनली बोलूँगा इस बार क्लिप रिकॉर्डर यूज़ करके देखना 60 FPS पे, बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देता है आपको, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पे 60 FPS के अंदर। एंड कॉन्स्टेंट आपको 60 FPS निकाल के देगा, बस थोड़ा बहुत कभी कभार जब शुरुआत के अंदर कूदोगे उस समय हो सकता है 47 से ले जाए, वरना यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम स्क्रीन रिकॉर्डिंग के तक भी
50-60 लेके चलता है। तो भाई ये रखना क्लिप रिकॉर्डर, क्लिप रिकॉर्डर है आप भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए। एंड यहाँ पे मैं लिटरली बोल रहा भाई, यहाँ पे 60 FPS सीन चल रहा है ना मेरे से, जब से मैंने 90 FPS खेलना चालू करा ना भाई इसके अंदर, जब से मैं 60 FPS कभी खेल ही नहीं पा रहा भाई। TDM में 1v1 करो ऐसा लगता है 60 FPS से भाई क्या कर रहा है, जैसे 90 FPS करो इतना ज़्यादा गेम स्मूथ हो जाता है। तो भाई 90 FPS का एक तो एडवांटेज है भाई TDM के अंदर, काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज आपको देखने मिल जाता है। आपको यकीन नहीं, जब आपके फोन अगर जब आप देखना आप 60 FPS आप खेलोगे ना, कभी 90 FPS खेल के देखना एक महीने उसका 60 FPS जाना, आप बोलोगे भाई क्या कर रहे हैं यार। 90 FPS जैसे ही करोगे भाई TDM में 1v1 के अंदर भाई ऐसा पेलना चालू करोगे ना, सामने वाले का बस देखता रह जाएगा वो आपको। तो यहाँ पर ना 90 FPS में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है भाई मुझे तो TDM के अंदर, जब से मैंने खेलना चालू करा मुझे आदत चली गई है 60 FPS के। बहुत कम ही खेलता हूँ मैं 60 FPS में, क्लासिक तक के अंदर ही मैं 90 FPS खेलता हूँ, क्योंकि मुझे भाई अलग ही स्मूथनेस की ना आदत सी पड़ गई है भाई यहाँ पर 90 FPS जो भी मिलती थी हमें। तो यहाँ पर चलता हूँ अपडेट की बात, जो मैंने आपको अपडेट के बाद बताई थी यहाँ पर, तो देखो सबसे पहली बात, यहाँ पर अपडेट से कोई भी डेड का इशू नहीं आने वाला है। काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि भाई पोको X3 Pro की तरह निकल जाए, क्योंकि उसके अंदर भी बहुत बढ़िया प्रोसेसर था, इसके अंदर भी बहुत बढ़िया प्रोसेसर है, 90 FPS देखने मिल जाता है, उसके अंदर 90 FPS था भी नहीं उसके बाद भी। तो काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं भाई अपडेट का डेड वेड तो नहीं पड़ जाएगा, तो भाई उसकी चिंता मत लो, कोई डेड नहीं पड़ेगा, ग्रीन लाइन का इशू नहीं है इसके अंदर कोई भी ऐसा। और आपको काफ़ी सारे लोग कहते हैं भाई आपकी स्क्रीन येलो दिखती है, तो भाई वो आई केयर ऑन कर रखा है इसकी वजह से आपको येलो दिखती है। तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आ रही थी भाई मुझे ना, यहाँ पे कोई भी डेड का इशू नहीं दिखने मिलेगा। तो आप बेझिझक यहाँ पे ना एक तरीके से अपडेट कर सकते हैं। साथ ही साथ बात करूँ, एक फीचर देखने मिल जाएगा मैच के रिंग का, जो आपको मैंने शुरुआत में दिखाया, उसके अंदर चार्जिंग है नॉर्मल नोटिफिकेशन नहीं आता उसके अंदर, और कुछ नहीं आता शुरुआत में आपको दिखाई देगा यहाँ। एंड मैं बोल रहा हूँ जैसे आप अगर आपको अपडेट करना मिले, तो जैसे आप नया ले रहे हो उसी समय अपडेट कर लो, फिर ये मत सोचना कि यार एक महीने बाद यूज़ करा उसके बाद फिर लैग होने लगे तो भाई मैंने अपडेट करा था इसकी वजह से लैग हो रहा है। तो आपको करना है ना शुरुआत में ही कर लेना, जैसे आपका नया फोन है उस समय आप कर लेना, ये वाला अपडेट करना है, पहले बता रहा मैं ये वाला अपडेट करना, क्योंकि इसके अंदर सेम एग्जैक्ट आपको ना परफॉर्मेंस है पहले ऐसी दिखने मिल जाती है, ये को थोड़ी बहुत सी बढ़िया दिखने मिल जाएगी, कोई दिक्कत तो मुझे आई नहीं, क्योंकि मोस्टली एक महीना यूज़ करते करते हो गया मुझे अपडेट को, दिक्कत आनी होती ना तो ऑलरेडी आ जाती, तो मेरे को कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आई थी। तो यहाँ पर मैं पहले कह रहा जैसे आप नया फोन लोगे उसी समय अपडेट कर लेना मैं तो कह रहा, क्योंकि फिर आपको बहाना हुआ यार, फिर बोलोगे कि भाई एक महीने तक मैंने बिना अपडेट के यूज़ करा फिर मैंने उसके बाद अपडेट करा, तो उसके बाद दिक्कत आ गई। एंड सबसे बड़ी बात यह है तो भाई मेरे को लग भी नहीं इन्फिनिक्स वाले और अपडेट देंगे भी अभी, यहाँ पर 1 या 2 महीने आपको आराम से वेट कराएंगे भाई, ये बिल्कुल कराएंगे कराएंगे। उसके बाद मेरे को लगता है यहाँ पे फिर सितंबर अक्टूबर का अपडेट आएगा 1 या 2 महीने बाद ही। अपडेट में थोड़ा वो ध्यान देना चाहिए यार इन्हें, अगर भाई फ़ोन को बेच रहे हो भाई तो यार नाम बढ़ा बढ़ोगे प्रमोशन करवा के, तो भाई अच्छे खासे यार भाई अपडेट भी देने चाहिए उस फोनों के अंदर। तो यहाँ पे बस ये दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है अपडेट की, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि Android 13 का अपडेट दूसरे जो मेरे पास एक Infinix 0 वाला फ़ोन था उनके अंदर जिससे ना आराम से दे दिया था Infinix वालों के अंदर। तो ये नहीं कह रहा कि भाई Android 14 आएगा नहीं, Android 14 आएगा टाइम पर आएगा, बस छोटे छोटे अपडेट की बात करो मैं सिक्योरिटी पैच वाले जो। तो चलो फिर यही था आज का वीडियो, पूरी वीडियो में आपको मुझे यही बताना था कि आप यहाँ पर आराम से अपडेट कर सकते हैं, कोई परफॉर्मेंस में ऐसा डाउनग्रेड नहीं आया है। एंड आप काफ़ी सारे FPS मीटर भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने अपने चैनल पे थोड़े दिन पहले FPS मीटर की वीडियो डाली थी, तो प्लीज़ चेकआउट कर लो उस वीडियो को भी, आपको थोड़ा बहुत क्या पता फ़ायदा हो जाए। एंड लिंक के लिए भाई बार बार पूछा करो भाई, एक बार चैनल खोल लिया करो, आपको ना वीडियो देखने मिल जाती है सारी सारी जितनी मैं चीज़ें बोलता हूँ ना कि भाई वीडियो डाली हुई है, तो समझ जाया करो भाई वीडियो डाली हुई है मैंने। तो चलो फिर मिलता हूँ मैं आपसे ना अगली वीडियो के अंदर। एंड पूरी वीडियो के अंदर मैं सब्सक्राइब करना बोलने के लिए भूल गया था यहाँ पे, तो भाई जो भी अभी तक देख रहा है थोड़ा सा नया बंदा, अभी पुराने बंदे तो मुझे पता है थोड़े बहुत देखते हैं यार आखिरी तक, तो जो भी नया पे बंदा देख रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, खासकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वो मेरे लिए ज़्यादातर काम का होता है। तो मिलूंगा फिर आपसे मैं अगली वीडियो के अंदर, बाय बाय।